पुलिस का मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित महिला ने कहा, न्याय तो अमीरों को मिलता है, हम गरीबों को नसीब होती है तो सिर्फ पुलिस की लाठियां। जी हां, कटनी जिले के बड़वारा पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक और महिला के साथ करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। हैवानियत का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमा कार्यवाही करने की बजाय वीडियो को ही फर्जी बताने में आमादा है। पहले देखिए इस वीडियो को, फिर हम आपको बताते हैं कि दरअसल कहानी क्या है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अक्सर अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वहीं पुलिस अधिकारी मानवता को तारदार करने वाले अपने ही कर्मचारियों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये वीडियो कहां का है और क्या है, पूरा घटनाक्रम को जानना भी उच्च अधिकारियों ने मुनासिब नहीं समझा। मानवता को शर्मसार करता ये वीडियो बड़वारा इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर का है, जहां फरियादी की पत्नी और भाई के साथ बड़वारा थाने में पदस्थ एएसआई रवि शुक्ला, जयपाल सिंह, रघुवीर सिंह, आरक्षक विजय चढ़ार ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। पूरा वाकया में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वे तमाम पुलिसकर्मी जो इस जघन्य अपराध में शामिल थे आज भी उसी थाने में पदस्थ हैं। वहीं पूरी घटना को देखने और उसका दर्द महसूस करने वाली पीड़ित की पत्नी सपना यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरी घटना 20 मार्च की है। उस दिन मामूली बात को लेकर मेरे पति मोलाई यादव के साथ ग्राम का ही दुखी नामक युवक ने लाठी डंडों से मारपीट की थी। पति को गंभीर चोट आने पर बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमने दाखिल कराया था। इसी बीच अचानक से पुलिस वाले अस्पताल के अंदर घुस गए और मेरे साथ गाली गलौज कर मारपीट करना शुरू कर दी। बीच बचाव के लिए जब मेरा भाई सुरेंद्र यादव आया तो उसे भी बेरहमी से पीटते हुए थाने ले गए, जहां बची कुची कसर भी पुलिस ने डंडे और जूतों से कुचलकर पूरी कर ली। पीड़ित महिला ने यह भी बताया कि थाने में विपक्षी दुखी यादव का चाचा लंबे समय से लेखा जोखा का काम करता है, उन्हीं के कहने पर पुलिस ने हम सभी के साथ मारपीट की थी। इतना ही नहीं, हमारे ऊपर कई बड़ी धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 20 मार्च का झगड़ा है ग्राम रोहनिया में, दुखी के साथ हमारे पति के साथ झगड़ा हुआ था, घरेलू मामले में हुआ था। इतना मारे थे कि वो बेहोश हो गए थे, हम उनको लेके अस्पताल गए। अस्पताल लेके गए, हमारे भाई भी देखने आए थे, हमारे भैया भी आए। अब इनको बेहोश होश में नहीं रहे थे, एक भी वो रहा। और फिर पुलिस आके अचानक हमको मारने लगी, फिर हमारे भैया को भी पकड़ के मारने लगी थी। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी मार रहे हैं, किसका वीडियो है और कहाँ का है ये? ये बड़वारा अस्पताल का है। ये हमारे भाई को मार रहे हैं, सुरेंद्र कुमार यादव को मार रहे हैं और हमको भी मार रहे हैं। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट? हाँ, हमारे साथ भी मारपीट भाई है। कौन किया था मारपीट? ये मारपीट दुखी के चाचा ने भेजा था, पुलिस वालों को, जेंट्स पुलिस वालों को भेजा थे, वो मारे थे हमको भी। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की कहीं? इसकी शिकायत कहाँ करेंगे, हमारे कहीं न्याय मिलने वाला नहीं है। हम इतना डर गए हैं कि हमारे कहीं जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, ना हमको किसी से शिकायत करने की वो पड़ती है हमारी हिम्मत। तो अब क्या चाहती हैं, शिकायत करना चाहती हैं? नहीं करना चाहते सर। क्यों? क्योंकि हम इतना हम डर गए हैं कि हमको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए हम ना करेंगे कहीं। हम गरीब मनाई कहाँ वो करेंगे। क्या नाम भाई आपका? सपना कुमारी यादव। कहाँ की हैं? रोहनिया के। आपके पति का क्या नाम है? मुलाई राम यादव। एक सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है उसको मैंने भी देखा है। वो वीडियो कब का है और कहाँ का है इसकी पुष्टि हम नहीं करते। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।